हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय किचन रेनू ठाकुर। आज हम बनाने वाले हैं एक बहुत ही अच्छी रेसिपी जो कि आप अपने घर में पार्टी या फिर किसी भी ओकेजन पर बहुत ही आसानी से घर में बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर चाहिए 4 बड़े साइज के टमाटर, जिसे कि आप किसी भी शेप में काट सकते हैं, छोटा या फिर बड़ा। इसी के साथ हमने यहाँ पर लिया है दालचीनी, बड़ी इलायची, जावित्री, साथ ही हमने यहाँ पर लिया है एक छोटा टुकड़ा अदरक का कटा हुआ, तेज पत्ता, जीरा, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, काली मिर्च और लौंग। इन सभी इंग्रेडिएंट्स का मेजरमेंट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही हमने यहाँ पर लिया है 1 कप काजू। काजू आप कैसा भी ले सकते हैं, टुकड़ा काजू ले सकते हैं, साबुत ले सकते हैं, जैसा भी आपके पास अवेलेबल है वैसा काजू आप ले सकते हैं। अगर आपके पास काजू नहीं है तो इसकी जगह पर आप मूंगफली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ अब हमें चाहिए यहाँ पर प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर लेंगे, इसमें हम यहाँ पर टमाटर, काजू और जो भी हमारे खड़े मसाले हैं सबको एक साथ यहाँ पर इसमें डाल देंगे। इसी के साथ अब हमें यहाँ पर चाहिए बटर। मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून बटर लिया है, बटर को भी हम इसमें यहाँ पर डाल देंगे। अब हम प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाकर इसको लो फ्लेम पर 5 मिनट के लिए हमें इसी तरीके से यहाँ पर पकाना है। पानी इसमें ऐड नहीं करना है। अब हमें इसमें डालना है नमक स्वाद अनुसार। मैंने यहाँ पर 1/2 टीस्पून नमक लिया है। इसके साथ ही 2 टीस्पून धनिया पाउडर यहाँ पर ऐड कर दिया है। इसके बाद हम यहाँ पर हल्दी पाउडर लेंगे। हल्दी पाउडर यहाँ पर 1/2 टीस्पून लिया है। 1/2 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर हम इसमें ऐड कर देंगे। इसको यहाँ पर एक बार हम अच्छे तरीके से इस तरीके से चला देंगे। उसके बाद हमें प्रेशर कुकर पर ढक्कन लगाना है और इसको 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकाना है। जब तक मसाला पककर तैयार होता है तब तक हम यहाँ पर इस रेसिपी का जो मेन इंग्रेडिएंट है आलू, उसको यहाँ पर रेडी कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर आलू लेंगे, उसको छील कर हम इस तरीके से धोकर एकदम साफ कर लेंगे। साथ ही हमें चाहिए यहाँ पर इस तरीके से शार्प पिलर, आलू छीलने वाला जो चाकू होता है पिलर, वो हमें चाहिए। और इस तरीके से राउंड शेप में हमें आलू को यहाँ पर अंदर से खाली करना है। इसके लिए हम यहाँ पर एक बर्तन ले लेते हैं और इस तरीके से यहाँ पर पिलर को गोल गोल घुमाते हुए आलू के अंदर, आलू का जो पूरा अंदर का गुदा है उसको हम यहाँ पर निकाल लेंगे। साथ ही ये बिल्कुल वेस्ट नहीं है, इसका आगे यूज़ होने वाला है, ये भी इस रेसिपी का एक पार्ट है। तो इसके लिए आपको वीडियो एंड तक देखनी होगी। मैं यहाँ पर आलू को इवन करने के लिए, ताकि चारों तरफ से जो आलू है वो बराबर रहे, उसको यहाँ पर थोड़ा सा इस तरीके से इसका जो छिलका है वो यहाँ पर निकाल लेती हूँ। ये सभी आगे यूज़ होगा और इस रेसिपी में बहुत ही अच्छे तरीके से ये यूज़ होने वाला है। ये देखिए, इस तरीके से आलू को हमें यहाँ पर रेडी करना है। अंदर से आलू का जो पूरा गुदा है वो हमने यहाँ पर निकाल कर पिलर से एक बाउल में अलग कर लिया है। इसी तरीके से यहाँ पर मैंने पहले से सभी आलू को रेडी किया हुआ है। ये देखिए, सभी आलू यहाँ पर इसी तरीके से तैयार किए गए हैं। और ये देखिए, आलू का जो छीलन यहाँ पर ये निकला है, ये आगे यूज़ होगा। इसके लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। आलू तो यहाँ पर तैयार है, आलू को हम इसी तरीके से यहाँ पर छोड़ देते हैं। तब तक हम प्रेशर कुकर खोलकर देख लेते हैं। 5 मिनट लगभग हो चुके हैं, इसमें अब हम देखेंगे। ये देखिए, टमाटर जो है वो अच्छे तरीके से यहाँ पर पक चुका है, देखने से पता चल रहा है कि ये पक चुका है। चमचे से हम इसको इस तरीके से यहाँ पर चलाकर देख लेंगे। अब हमें यहाँ पर इसको इसी तरीके से खुला हुआ छोड़ देना है, इसको हमें ठंडा करना है। ठंडा होने पर आगे ये यूज़ होगा, तब तक के लिए हम इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं और नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब हमें चाहिए एक कढ़ाई या पैन में यहाँ पर हमें तेल को गर्म करना है। तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए, तो मीडियम फ्लेम पर ही हम यहाँ पर तेल को गर्म करेंगे। और जो आलू हमने यहाँ पर इस तरीके से छील कर तैयार किए हैं, सभी आलू को हमें यहाँ पर गोल्डन ब्राउन होने तक इसमें डीप फ्राई करना है। आलू अंदर और बाहर दोनों ही साइड से बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर पक जाना चाहिए। तेल में ही हमें आलू को यहाँ पर पकाना है। ध्यान रखना है आपको यहाँ पर, आलू जो है हमें यहाँ पर तेल में मीडियम फ्लेम पर पकाना है और सिर्फ गोल्डन ब्राउन होने तक ही हमें आलू को यहाँ पर इसमें डीप फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करेंगे। जैसे ही इसका कलर गोल्डन ब्राउन होगा, सभी आलू को हम यहाँ से निकाल कर एक अलग बर्तन में रख लेंगे। ये देखिए आप, यहाँ पर आलू का जो कलर है वो चेंज होना शुरू हो गया है। सभी आलू यहाँ पर फ्राई हो चुके हैं, आलू को हम यहाँ पर अलग बर्तन में निकाल लेते हैं। इसके साथ ही आलू का जो छीलन था उसको हमें यहाँ पर तेल में फ्राई करना है। इसको हमें हल्का क्रिस्पी होने तक फ्राई करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ये जलना नहीं चाहिए, तो मीडियम फ्लेम पर ही आपको इसको भी पकाना है। ये देखिए, आलू हमारा यहाँ पर ये पक रहा है और ये लगभग यहाँ पर क्रिस्पी हो चुका है। अब हम इसको अलग निकाल लेते हैं। टमाटर यहाँ पर ठंडे हो चुके हैं, अब हम जार में इसको निकाल लेते हैं और इसके साथ ही इसे यहाँ पर एक प्यूरी की तरह हमें यहाँ पर रेडी करना है। पानी इसमें ऐड नहीं करना है। ये देखिए, ग्राइंड करने के बाद जब आप चेक करेंगे तो इसका जो कलर है ये थोड़ा चेंज हो जाएगा और इस तरीके से यहाँ पर ये कलर होगा। ये प्यूरी यहाँ पर बनकर एकदम तैयार है।
अब हमें यहाँ पर फिलिंग तैयार करनी है, तो उसके लिए यहाँ पर मैंने लिया है पनीर और इसको अच्छे तरीके से हम यहाँ पर ग्रेट कर रहे हैं। अगर आप इसको ग्रेट नहीं करना चाहते हैं कद्दूकस में, तो इसके लिए आप यहाँ पर हाथ से भी इसको क्रम्बल कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ पर कद्दूकस में ग्रेट कर रही हूँ, ये ऑप्शनल है। इसके साथ ही आलू की जो छीलन है इसको हम यहाँ पर इसमें अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। ये हमारी फिलिंग है, इसमें जाएगा बारीक कटा हुआ हरी मिर्च, ऑप्शनल है, अगर आप हरी मिर्च नहीं डालना चाहते हैं तो मत डालिए। साथ ही इसमें जाएगा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, साथ ही इसमें जाएगा बारीक कटा हुआ अदरक, ऑप्शनल है इसमें, यहाँ पर हरी मिर्ची और अदरक अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। अब इसमें हम यहाँ पर नमक मिला देंगे, प्यूरी में भी नमक है तो इस बात का ध्यान रखते हुए नमक हमें यहाँ पर डालना है। टेस्ट के लिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा चाट मसाला ऐड कर रही हूँ, अगर चाट मसाला की जगह आप यहाँ पर लाल मिर्ची पाउडर यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों को हाथ से हम यहाँ पर अच्छे तरीके से मिला देंगे। ये देखिए फिलिंग हमारी यहाँ पर एकदम तैयार हो चुकी है, फिलिंग हमारी यहाँ पर एकदम तैयार हो चुकी है। फ्लेवर के लिए मैं इसमें थोड़ा सा अनारदाना जो है वो यहाँ पर ऐड कर रही हूँ, अगर आप इसमें अनार नहीं डालना चाहते हैं तो इस स्टेप को आप यहाँ पर स्किप कर दें। बाकी अगर आप फिलिंग में अनार डालेंगे तो इसका जो फ्लेवर है बहुत ही अच्छा आने वाला है। फिलिंग हमारी यहाँ पर बनकर एकदम तैयार है। अब हमें चाहिए जो हमने आलू डीप फ्राई करके यहाँ पर रखे हुए हैं, एक एक आलू को हमें इस तरीके से यहाँ पर लेना है और जिस तरफ से आलू का मुंह खुला है उसके अंदर हमें ये फिलिंग अच्छे तरीके से फिल करनी है। एक बात का आपको यहाँ पर खास ध्यान रखना है, फिलिंग बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए वरना आलू जो है वो साइड से फटना शुरू हो जाएगा। तो फिलिंग आपको इतनी ही रखनी है कि आलू भी ना फटे और आलू के अंदर फिलिंग जो है वो भी अच्छे तरीके से हो जाए। ये देखिए इसी तरीके से आपको यहाँ पर फिलिंग करनी है। यहाँ पर सभी आलू में हमने अच्छे तरीके से फिलिंग कर ली है, सभी आलू हमारे यहाँ पर तैयार हैं। अब हमें यहाँ पर चाहिए एक कढ़ाई या फिर पैन, उसमें हम डालेंगे यहाँ पर 2 टीस्पून बटर। अगर आपके पास बटर नहीं है तो देसी घी या फिर कुकिंग ऑयल जो भी आपके पास है उसका यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही जो प्यूरी हमने यहाँ पर बनाकर तैयार की है, प्यूरी को हम यहाँ पर बटर में डाल देंगे। जैसे ही बटर मेल्ट होगा प्यूरी को पैन में डाल देंगे। इसके साथ ही हमें यहाँ पर एक बात का खास ध्यान रखना है, गैस का जो फ्लेम है यहाँ पर लो टू मीडियम होना चाहिए, गैस का फ्लेम हाई नहीं होना चाहिए। प्यूरी को इस तरीके से हमें यहाँ पर लगातार चलाते रहना है। आप देखेंगे यहाँ पर जो प्यूरी है बहुत ही अच्छी लग रही है। 3 से 4 मिनट के लिए हमें इसे यहाँ पर लो फ्लेम पर पकाना है। जब तक प्यूरी यहाँ पर पक रही है तब तक हम जो आलू है उसको यहाँ पर काट लेते हैं। फिलिंग किए हुए आलू को इसी तरीके से हमें यहाँ पर काटना है। सभी आलू को इसी तरीके से काटकर हमने यहाँ पर इस तरीके से तैयार कर लिया है। आलू अब यहाँ पर एकदम रेडी है, 3 से 4 मिनट हो चुके हैं तो हमारी जो प्यूरी है वो भी एकदम तैयार है। तो इसके लिए हम यहाँ पर ले लेते हैं एक सर्विंग प्लेट। जो प्यूरी हमने यहाँ पर बनाकर तैयार की है उस प्यूरी को डायरेक्ट हमें इस सर्विंग प्लेट में इस तरीके से डालना है। ये देखिए प्यूरी यहाँ पर आ चुकी है। अब इसके बाद जो हमने आलू काट कर अलग से तैयार किए हैं, आलू को हम यहाँ पर ऊपर से इस तरीके से रखेंगे। ये देखिए एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल में नई रेसिपी एकदम तैयार है। आप इसको एक बार घर पर ज़रूर बनाकर देखिएगा। अगर आपके घर में कोई भी फंक्शन है, पार्टी है या कोई भी ओकेजन है तो इस रेसिपी को एक बार आप अपने घर में ज़रूर बनाइए, सब आपकी तारीफ करेंगे। एकदम डिफरेंट रेसिपी है और बनाना बहुत ही आसान है। इस पूरी रेसिपी में जो भी हमने यहाँ पर इन्ग्रीडियंट्स यूज़ किए हैं उसकी लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इस रेसिपी को एक बार आप अपने घर पर बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए और अपनी फैमिली को खिलाइए। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे जब भी हमारी कोई नई वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा।